सो व्हाट्स अप गाइस, कैसे हैं आप लोग। दिस इज योर दीपांशु हिल्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल वंस अगेन। और आज की ब्लॉग की शुरुआत बहुत ही सही जगह से हुई है। काफी बदला लग रहा होगा, मैं जानता हूँ आप लोगों को काफी बदला हुआ लग रहा है, जस्ट बिकॉज कि भाई हम लोग हो चुके हैं शिफ्ट हमारी नानी के घर पे। और भाई शिफ्ट होने का बहुत सारे रीजंस हैं, उनमें से एक रीजन ये भी है कि भाई हमारी जो मेंटल हेल्थ है उस पर बहुत ज्यादा इफेक्ट पड़ रहा था, तो हम नहीं चाहते थे कि ऐसे डिप्रेसिंग हो जाए। और वीडियो भी नहीं बना पा रहे थे जस्ट बिकॉज कि हम घर से बाहर नहीं निकल सकते थे, और घर पे वीडियो बनाना हमें ऐसे आता नहीं है। और भाई यहाँ पे सीन ऐसे है कि यहाँ पे हम लोग बाहर भी जा सकते हैं, वीडियो भी बना सकते हैं, घर थोड़ा सा बड़ा है, ऊपर जा सकते हैं, नीचे जा सकते हैं, और काफ़ी खुला है। और भाई सच बता रहा हूँ, ये जो घर है ना, ये बहुत सालों पुराना है। मैं दिखाता हूँ कुछ एग्जाम्पल आपको, जैसे कि आप देख सकते हो कि कितने पुराने वाला घर है। यहाँ पे ये वाले स्विचेज हैं, अभी खैर लाइट नहीं आ रही है। बाकी भाई सच बताऊँ, वेदर यहाँ पे इतना सही हो रखा है, ठंडा मौसम हो रखा है एकदम, आंधी आ रही है ऐसे देखा जाए तो। बाकी भाई क्रेजी हो रखा है, बहुत सही हवा चल रही है यार, बहुत सही। भाई यहाँ तक आने का सफर, आप लोग जाइए पीछे बाइक पे और देखिए कि कैसा माहौल था दिल्ली में और कैसा माहौल है यहाँ पे। वैसे ऑलमोस्ट मैं अभी भी दिल्ली में ही हूँ, ऑलमोस्ट दिल्ली और हरियाणा के बॉर्डर के एकदम करीब। तो जाइए वापस और मिलते हैं। और इससे पहले बारिश आए हमें जाना चाहिए नीचे, नीचे मिलते हैं। और राजू सीधे पहाड़ से, सीधे पहाड़ से, करी नहीं लगता यहाँ पे शेर की दहाड़ से, सीधे पहाड़ से, सीधे पहाड़ से, ठंडी सी फिसलाई ना ये फिसले मेरे हाथ से। सो व्हाट्स अप गाइस, कैसे हैं आप लोग। दिस इज योर दीपांशु हिल्स, दिल्ली की सड़कों से मोटो ब्लॉग करते हुए। और आज का मोटो ब्लॉग भाई सच बताऊं तो ऐसा इम्पोर्टेंट है, इम्पोर्टेंट इसलिए कि भाई हम लोगों को शिफ्ट करना पड़ रहा है, जस्ट बिकॉज हमारे घर में थोड़ी सी मेडिकल इमरजेंसी है, वो मैं आपको बताऊँगा बाद में। लेकिन अभी का जो मोटो ब्लॉग है उसको करते हैं हम लोग इन्जॉय और स्टार्ट भाई। तो भाई अपडेट ये है कि आज की जो डेट है वो है 7th of May 2020, और टाइम हो रहा है अभी 10:06, यानी कि 10:06। और भाई ऑलमोस्ट सारी की सारी सड़कें ना एकदम खाली है, तो बाइक चलाने में मज़ा आ रहा है। ऑल दो हम लोग स्कूटी में भी जा सकते थे जहाँ पे हमें जाना है, लेकिन भाई स्कूटी पे ना जाने का मेन रीज़न ये है कि हमारा जो पीछे वाला रेयर टायर है, जो हमारा रेयर टायर है उसमें हवा भाई बिल्कुल ख़त्म थी, हमें लग रहा था कि पंचर है। हमने स्कूटी निकालने की कोशिश करी, हम लोग थोड़ी सी दूर गए तो हमें पता लगा कि भाई हमारी स्कूटी में सच में पंचर है। तो इसलिए हमने सोचा कि बाइक क्यों ना निकाली जाए, क्योंकि भाई बाइक चलाने का मन भी बहुत ज़्यादा कर रहा था, तो ये ऊपर से हमें मोटो ब्लॉग भी करने का एक बहाना भी मिल जाता था। सोचा कि चलो आज वो दिन आ गया है जिस दिन हम लोग अपनी बाइक लेके निकल चुके हैं अपनी नानी के घर से। मेरी नानी का घर मेरे घर से है 40 किलोमीटर्स, और मैं और मेरी मम्मा दोनों जा रही हैं। मेरी मम्मा जा रही है गाड़ी में और मैं जा रहा हूँ बाइक से। गाड़ी में थोड़ा सा सामान रखा हुआ था तो इसलिए हम लोग बाइक पर जा रहे हैं, वरना तो हम भी गाड़ी से जाते, लेकिन कोई वाली बात नहीं है यार, जो भी है जैसा भी है अब हम जा रहे हैं। अब ये नहीं पता कि कितने दिनों के लिए जा रहे हैं, बिकॉज हो सकता है कि हम लोग महीना, डेढ़ महीना, दो महीने भी रुक के आ सकते हैं, और मे बी ज़्यादा भी। तो लेट्स सी क्या होता है। बाकी तो भाई दिल्ली की सड़कों पे मैं देख रहा हूँ दोबारा से भीड़ उमड़ चुकी है, मतलब काफ़ी भीड़ है एज़ कम्पेयर टू प्रीवियस डेज, भीड़ काफ़ी ज़्यादा है। और मेरे को लगता है कि जो लोग भाई इतने दिनों से घर के अंदर बैठे थे, जो लोगों को काम भी नहीं है वो भी निकल चुके हैं। और भाई ठेकों की लाइन तो आपको जानते ही है, मतलब किसने सोचा था कि देश के शराबी हमारे भाई देश की इकोनॉमी को बैलेंस कर देंगे, भाई कमाल की बात है। चलो आपको मिलते हैं हम थोड़ा आगे ना। आ जाओ अंकल जी, आप आ जाओ। सो ओके ऑलराइट, हम लोग पहुंच चुके हैं नजफगढ़। और मैंने यार ज़्यादा शूट नहीं किया जस्ट बिकॉज कि मैं नहीं चाहता दिखाना ये चीज़ कि कहाँ कहाँ पे हमारी पुलिस खड़ी है और कहाँ कहाँ पे बैरिकेटिंग है। सो वो चीज़ थोड़ा सा अच्छा नहीं लगता ऐसे शो दिखाना लोगों को। तो लेकिन यार एक चीज़ मैंने देखी है कि रोड पे भीड़ काफ़ी ज़्यादा है, सच में काफ़ी ज़्यादा है। शायद से जिन लोगों को ज़रूरत नहीं है वो भी लोग मेरे हिसाब से बाहर जा रहे हैं। और ऐसा नहीं है कि पुलिस रोक नहीं रही है, पुलिस सच में रोक रही है, लोगों से पूछ भी रही है, लोग पुलिस अपना सच में काम अच्छे से कर रही है। मैं देख रहा हूँ, मुझे नहीं रोका अभी तक किसी ने, लेकिन हाँ मैं देख रहा हूँ लोगों को रोका हुआ है, लोगों को रोका गया है और लोगों से पूछताछ भी की गई है। और इसी के साथ हम लोग जा रहे हैं तो हम लोग पेट्रोल फुल करा लेंगे इससे पहले, बाद में कोई दिक्कत ना हो।
कार्ड है ना, कार्ड कार्ड फुल कर दो, बस इतने कर दो, 120 ही कर दो। चलो जी, यहाँ से जो हमारी नानी का घर है वो रह गया है ऑलमोस्ट 13-12 किलोमीटर्स, तो चलते हैं। और एक चीज़ और बतानी है कि हमने फ्यूल डलवाया था लॉकडाउन से पहले, फुल कराया था, अभी भी हमने फुल कराया जस्ट बिकॉज कि बाइक ऑलमोस्ट फुल थी। लेकिन यार फुल कराने का रीज़न मेरा यही था कि अभी जहाँ पे हम लोग जा रहे हैं, जो हमारा नानी का जो गांव है, वहाँ से जो पेट्रोल पंप है थोड़ी सी दूरी पे है, तो ये सही है यार, बेटर है कि पहले ही हम लोग यहीं से ही फ्यूल करा के चले कि बार बार हमें ज़्यादा वो ना करना पड़े। ओ बॉय, तो आई थिंक यही सही ऑप्शन है कि यार पहले ही हम लोग अपनी बाइक का पेट्रोल फुल करा के रखें, और सही है थोड़ा सा। और अभी तक हमारी बाइक लॉकडाउन के बाद अभी तक हमारी बाइक चली है 54 किलोमीटर, जो हमने ट्रिप ज़ीरो किया उसमें हमारी बाइक में आया 120 रुपये का पेट्रोल, तो यार अच्छा खासा एवरेज दे रही है देखा जाए तो। पीपल आर मेंटेनिंग डिस्टेंस, भाई कितने अच्छे से काम कर रहे हैं यहाँ पे लोग, ये चीज़ अच्छी है यार। सबसे और एक चीज़ मेरे को बड़ी अच्छी लगी है ना कि आई थिंक पहली बार इंडिया में किसी ने किसी वायरस को ऐसे सीरियसली लिया है, लोग अवेयर हैं भाई कोरोना वायरस के चलते हुए। और इसका अवेयर होने का मेन रीज़न भाई सिर्फ और सिर्फ डर है, अगर डर ना हो ना तो एक चीज़ है कि इंडिया वाले माने ना, किसी चीज़ से ना डरे ये सच बता रहा हूँ मैं। बाकी भाई दिल्ली में तो लॉकडाउन काफ़ी हद तक खुल चुका है, और एक चीज़ और जो मुझे पता है आप लोग ऑलरेडी मुझसे पूछने वाले हो और मुझे ब्लेम भी करने वाले हो इस चीज़ के लिए कि मैं सबको बोलता हूँ कि घर पे रहो, स्टे सेफ स्टे होम, लेकिन मैं कहाँ जा रहा हूँ, मैं क्यों शिफ्ट हो रहा हूँ, लॉकडाउन के दिन है, हालात सिचुएशन इतनी अच्छी नहीं है ये सब करने के लिए। लेकिन यार मेरे पास एक मेजर रीज़न है, मेजर रीज़न ये है कि जो मेरी नानी है, जो हमारी नानी है वो अकेले रहती हैं गांव में घर पे, तो उनके लिए सेफ़ नहीं है बाहर जाना सामान लेना, और क्योंकि भाई खाने पीने का सामान तो सबकी नीड है, सबको बाहर जाना ही पड़ेगा लेने के लिए। और दूसरा रीज़न ये है कि वो काफ़ी ओल्ड हैं और उनके पैर में चोट भी लगी हुई है, और खाली मैं ही नहीं, मेरी मम्मा जो मेरी मदर है वो भी शिफ्ट हो रहे हैं हमारे साथ साथ, और वो आ रहे हैं गाड़ी में, गाड़ी में सामान ज़्यादा था तो हमने परमिशन ले ली थी, गाड़ी की परमिशन ली गई थी, इसकी परमिशन नहीं ली गई थी, लेकिन असेंशियल काम है, मेडिकल इम्पोर्टेंट, मेडिकल इमरजेंसी है, मेडिकल सर्विस है, दैट्स व्हाई आई एम गोइंग देयर। सो और अब तो ऑलमोस्ट वैसे भी मैं पहुंचने वाला हूँ, यहाँ से मुश्किल 3-4 किलोमीटर रह गया। लेकिन भाई सबसे अच्छी बात ना इधर की ये है कि यहाँ के जो रोड्स हैं ना, आप देखो इतने बटरी स्मूथ है। और एक चीज़ और अगर मैं आपको बताऊँ तो जो मेरा बचपन है, मैंने अपने ज़िंदगी के 4-5-6 साल यहाँ पे गुजारे हैं, छुट्टियों में नहीं, मतलब यहाँ पे मेरा स्कूल हुआ करता था, मैं आपको दिखाऊंगा आगे मेरा स्कूल आता है वहाँ पे भी मैं, अरे 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 वहाँ पे मेरा स्कूल है, वहाँ पे आपको दिखाऊंगा कि मैं वहाँ पे 2 साल पढ़ा हूँ, और मतलब रहा हूँ यार, बचपन बिताया है मैंने यहाँ पे, पुरानी यादें हैं हमारी यहाँ से, समझ रहे हो, मतलब बात थोड़ी गहरी है। और एक चीज़ और कि भाई पीपल आर मेंटेनिंग सोशल डिस्टेंसिंग वेरी वेल हेयर, देख रहे हो आप, सारा सामान वामान जो भी राशन का दिया जा रहा है लोगों को, लोग खड़े हैं भाई अलग अलग से लाइन लग के। लेकिन एक चीज़ है कि गर्मियाँ बढ़ गई है सच में, दिन में तो गर्मी होती है, रात में और सुबह मौसम फिर भी थोड़ा सा प्लेजेंट रहता है, अब देखते हैं यहाँ पे क्या हाल होगा, थोड़ा भगाते हैं यार बाइक, बड़े दिन हो गए। ओहो भाई साहब, ओ क्या कहते हैं उसे, अलग ही लेवल था, बहुत ज़्यादा मज़ा आया। और जिस स्कूल की भी मैं बात कर रहा था वो स्कूल ये है भाई, माता दान कौर पब्लिक स्कूल। यहाँ पे भी हमने काफ़ी ऐसे पढ़ाई वढ़ाई करी है स्कूल में। अच्छा एक चीज़ बताऊँ,
इतने दिनों बाद बाइक चलाने में ना बहुत मज़ा आ रहा है सच में। पहुंच चुके हैं। मिलते हैं आपको थोड़ी देर में।